नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल बनाया और बाइसेल सिग्नल का हम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ और उसको मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो उसको कल का परफॉर्मेंस मतलब आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कल का जो फाइल मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था उसको मैंने डाउनलोड करके कल आज का प्राइस मूवमेंट से कंपेयर करके कैसे परफॉर्मेंस किया है तो मैंने दिखाने जाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन प्रोबेबल डायरेक्शन मैंने रेगुलर देता हूँ और बाय सेल लेवल इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स निफ्टी बैंक निफ्टी को दिखाता हूँ। वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चीज़ जो चार्ट का सेटअप मैंने बना के रखा है और बहुत सारा चीज़ सीखने का भी, जो चीज़ स्टॉक मार्केट में ज़रूरत होता है, कैसे स्टॉक्स चुनना है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे सेफ एंट्री लेना है, इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ मैंने मेरा जो नॉलेज है एक्सपीरियंस हुआ है तो एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज आप लोग मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और भी मैंने इसी तरह से आप लोगों का मतलब आप लोगों का पैटर्न मिलेगा तो मेरा और भी मोटिवेशन मिल जाएगा और भी बहुत सारा वीडियोस बनाते जाऊंगा। तो आप लोग ये सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने ये फाइल को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद इस फाइल में आज का जो प्राइस है वो मैंने बैठा दिया है और इसमें फार्मूला दिया है मैंने। देखिए इधर जो जे भी जो हाई का कॉलम है उसमें से मेरा बाई का एंट्री लेवल, जो इसमें जो बाई का लेवल है हाई का कॉलम उसको ग्रेटर होना चाहिए, जो हाई है करंट हाई बाई का लेवल से हाई होना चाहिए और जो लो है करंट लो है उसका कॉलम उसका जो लो है इसका कॉलम मेरा जो लो सेल का एंट्री लेवल है उससे लेस होना चाहिए, ऐसे करके बनाया। और वाइस लेवल थ्री का जो है, ये वाइस लेवल थ्री है, एक्चुअली वाइस लेवल फोर नाम देके मेरे को सेव करना पड़ता है। तो इसमें भी मैंने जो मेरा अप ट्रेंड का बाय और सेल लेवल है उस उधर से जो हायर लो क्लोज का हायर जो क्लोज है आज का जो हायर क्लोज है उसके हिसाब से मैंने फार्मूला देके बनाया है। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है। तो देखिए, मैंने कुछ भी मैंने जो एक्चुअली मैंने कुछ रिकमेंडेशन भी दे देता हूँ, वो दिखाने से सुविधा रहेगा। कुछ भी मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ जितना बहुत सारा जी स्टॉक्स मिला है, लेकिन वो भी वो दिखाने से थोड़ा सा ठीक है। वो स्टॉक्स के कैसे परफॉर्म किया मैंने कुछ फाइल शेयर करने के बाद मैंने कुछ मतलब रिकमेंडेशन देता हूँ। तो देखिए, इधर भारत फॉर्ज, भारतीय एयरटेल, मदर सुमी, एस बी आई एंड टाटा स्टील, कनरा बैंक, एंजी टेक्स, एम एफ एस एल, पी एल, मेरे इसके अंदर मैंने कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। भारत फॉर्ज मैंने देखता हूँ, भारत फॉर्ज कल का कैसा लेवल था, भारत फॉर्ज 492.8586 मतलब 85 या 90 पकड़ सकता है इसका बाई लेवल था और 489.70 इसका सेल लेवल था। तो देखता है भारत फॉर्ज, आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर फ्री ट्रायल देख सकता है कुछ दिन के लिए। इसमें देखिए 492.86 इसका बाई का लेवल था, तो इसमें पहले 15 मिनट में तो ये ओपन हुआ था 492 के ऊपर ओपन होने के बाद ये 496 तक गया था। इधर आप लोग देख सकता है, इधर एक सनसी चार्ट लगाया हुआ इसीलिए इधर थोड़ा सा कम दिख रहा है। 492.86 से आप लोग को 496 तक मतलब लगभग 3 रुपया के आसपास आप लोग को प्रॉफिट मिल जाता था ऊपर अप साइड में। और डाउन साइड में देखिए 489.73 मतलब 70 इसका 492 पॉइंट कितना देखा
सॉरी 489.70 तो इसके नीचे ज़्यादा कुछ आया नहीं है, 489.20 तक आया था। और इस फाइल में मैंने देखता हूँ उसका कैसे हुआ था भारत फर्ज, ये वाइसल लेवल वन मैंने, आप लोग मेरा देख सकता है, मैंने वाइसल लेवल वन टू और थ्री बनाता हूँ वाइसल लेवल कम स्किनर में, और वाइसल लेवल थ्री अलग से बनाता हूँ। आप लोग मेरा पहले वाला पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए, और इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप लोग को इधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका भी आप लोग को इधर फाइल देखते तो कुछ कोई भी वाइसल लेवल इस फाइल में कोई भी वाइसल लेवल नहीं आता था। तो चलता है, वाइसल लेवल नहीं आता है तो ट्रेड नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ट्रेड में ट्रेड होगा ऐसा कोई बात नहीं है। बात थी एयरटेल को देखता हूँ, बात थी एयरटेल, बात थी एयरटेल 449.10 में बाई था और 442.45 में सेलिंग था। तो बात थी एयरटेल देखता है, बात थी एयरटेल 449.10 मतलब 15 भी पकड़िए या 120 पकड़िए, 449.90 के ऊपर ये ओपन हुआ था, 449 के ऊपर ये 450 खुलते ही ये 452 तक हाई मार दिया था। इसमें 5 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोग एंट्री ले सकते थे, और इसी को दिखाने के लिए आप लोग को दिखाता हूँ। 459 के बाद ये नीचे आया था कुछ 447 तक, 445 तक नीचे आया था, इसका सेल का लेवल था 442 के नीचे, तो 445 तक आया था। उसके बाद आप लोग आराम से 449 से एंट्री ले सकते थे। ये फोर इसके बाद ये फर्स्ट टाइम आ रहा था, इधर देखिए 450 फर्स्ट आप लोग 460 तक ये हाई चला गया था, ठीक है। 449 से आप लोग एंट्री ले सकते थे, मैंने 5 मिनट चार्ट में भी दिखाया था। तो इसीलिए आप लोग को ये चार्ट दिखा के मैंने परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को बहुत लोग सब बोलता है कि मैंने हम लोग समझते नहीं है कहाँ पर एंट्री लेना है क्या करना है, तो इसीलिए फाइल को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। और इधर देखिए सेल का एंट्री लेवल आया नहीं है इधर, तो इसीलिए मैंने और भी अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ परफॉर्मेंस, तो ताकि आप लोग को ये भी पता चल जाएगा ये कैसे यूज़ करना है। ये देखिए भारतीय एयरटेल हो गया, उसके बाद और क्या दिया था, मदासुमी SBIN, सब नहीं दिखा पाऊँगा, सब दिखाने के लिए मेरा टाइम नहीं होगा, इतना वीडियो लंबा नहीं होगा, मतलब वीडियो का मेरा लिमिटेड टाइम है 10 मिनट का, तो इसीलिए मेरे को कम ही दिखाना पड़ेगा, ऑलरेडी 8 मिनट हो चुका है। अच्छा, और एक दिखाता हूँ इसका कोज क्या देखा, भारतीय एयरटेल मदासुमी देखता हूँ, मदासुमी देखिए ओपन हुआ था 147.80 पे, और इधर मदासुमी 147.50 के ऊपर इसका बाई था, और 146.21 में इसका सेल लेवल था 147 पे, मतलब ओपन हुआ था, मतलब इसका ओपन होने के बाद ये सेल का लेवल में तो आया नहीं था, 146.21 हाँ नीचे पहले आया था शायद, 145.60 तक आया था, 6050 तक आया था, उसके बाद और कुछ दिया नहीं था, ये ऊपर का लेवल पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि 140 हाँ ऊपर का लेवल भी आप लोग पहले ऊपर का लेवल में जा सकते थे 146 के ऊपर, मतलब इधर 147.48 के ऊपर ये 148.45 तक गया था,